प्रभात 14 यहाँ पर परसों के रोज यहाँ पर कंक्रीट रास्ते का उद्घाटन हुआ था और कल प्रहार संगठना वालों ने एक बोर्ड लगाया है। तो माननीय मंत्री व आमदार बच्चू कड़ू जी ने जो प्रहार संगठना की स्थापना की थी, इनका मकसद यह था कि मजलूमों और कमजोरों का साथ देने के लिए ये प्रहार संगठना उठेगी और इनके लिए आंदोलन करेगी। मगर आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रहार संगठना को बदनाम करने के लिए और माननीय बच्चू कड़ू जी को बदनाम करने के लिए शोबाजी स्टंटबाजी कर रहे हैं। और इस बैनर पर आप देख रहे हो जिसके भी नाम है, मुझे इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सोलापुर शहर की जनता भी जानती है और सोलापुर की पब्लिक भी इनको जानती है और इनके काम को जानती है। पर का प्रहार संगठना बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए। देखो आज बच्चू कड़ू जी को लोग किसानों का और मजलूमों का कमजोरों का मसीहा कहते हैं। किस लिए कहते हैं? जहां पर जुल्म होता है वहां पर आवाज उठाते हैं, लेकिन अपनी ये लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए बच्चू कड़ू जी को बदनाम करें। आप बिल्कुल आंदोलन करो, आंदोलन के लिए कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आपने जहां पर बोर्ड लगाया है वो ऑलरेडी मेरा विकास काम का बोर्ड था। आप कहीं पर भी दूसरे जगह बोर्ड लगा सकते थे, लेकिन आपने जहां पर विकास का रास्ते का उद्घाटन हुआ है उस पर बोर्ड लगाकर आप एक दहशत निर्माण करना चाहते हो। दहशत भी किस पर? वो ठेकेदार पर। वो ठेकेदार आज काम स्टार्ट करने वाला था और ये प्रहार संगठना नहीं चाहती कि मुस्लिम पच्चा पेट का काम हो। वो ठेकेदार डर कर बोल रहा है, अपना क्या है, पहले आप प्रहार संगठना से मिटा कर लो। उनसे क्या मिटाने का, क्या गवर्नमेंट है वो? ये गलती का काम हो रहा है उनसे मिटाने के लिए। तो मेरा पच्चा पेट के लोगों से बार बार मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे लोग टारगेट करने दो। देखो ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई है। लोग मुझे बोल रहे हैं कि अरे वो खतरनाक लोग हैं, उनके खिलाफ कुछ मत बोलो। अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो लाश तक नहीं मिलती, लाश तक गायब कर दे। देखो जिंदगी जीना और मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। एक 20 दिन पहले मेरे भाई का भी इंतकाल हुआ हार्ट अटैक से। अगर मेरी मौत इनके हाथों लिखी है, मैं प्रभाग के लोगों के लिए, शहर के जनता के लोगों के लिए, ऐसे दिग्गज लोगों से दुश्मनी लेकर आपके मसले मसाइल सभागृह में उठाता हूँ तो क्या गलत करता हूँ? मेरा क्या गुनाह है जबकि मुझे मेरी पार्टी भी टारगेट करती है? मेरा सिर्फ ये गुनाह है कि पालक मंत्री पास से 87 लाख रुपए रस्ते को लाया बजट, ये मेरा गुनाह है। और 50 लाख रुपए बीजेपी के पास से ड्रेनेज कामों के लिए लाया, क्या ये मेरा गुनाह है? क्या प्रभाग का काम नहीं होना चाहिए? आपको मैं अपनी पूरी लिस्ट देता हूँ। लोग आज बड़े बड़े जो भावी नगर सेवक है वो लेटर दिखा रहे ऐसा हाथ कर कर। लेटर ऐसा नहीं रहता मेरे भाई, लेटर ऐसा पूरे कामों के साथ रहता है। आपको एक एक प्रिंट दी जाएगी। कितने करोड़ का काम आज टेंडर को है और ये काम भी स्टार्ट होने वाले है। जो कोई भी उठ रहा सिर्फ रियाज खरादी को टारगेट कर रहा है। क्या शहर सोलापुर में सिर्फ अकेला रियाज खरादी है जो काम नहीं कर रहा, या प्रभात 14 ही है क्या पूरे सोलापुर में? बाकी के दूसरे प्रभागों के नगर सेवक का पूरा विकास कर 100-100 करोड़ रुपए खर्चा किए अपने प्रभाग में, ऐसा कैसा चलेगा? अब मुझे ये नहीं समझ रहा है कि मेरी पार्टी मुझे क्यों टारगेट कर रही है। जब मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मैं 3 करोड़ से ज्यादा बजट लाया, तो मेरी पार्टी खुश होने की बजाय, फक्र महसूस करने की बजाय मुझे टारगेट कर रहे हैं, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार जनता से गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखो अगर रियाज खरादी कुछ गलत करता है तो बिल्कुल भी रियाज खरादी को उसकी जगह दिखाओ, उसको बिल्कुल नजदीक आने मत दो, उसको इलेक्शन में उसकी जगह दिखाओ। अगर मैं जनता के खिलाफ में अगर कुछ काम किया होगा, प्रभाग के खिलाफ में या पार्टी के खिलाफ में अगर कुछ काम किया होगा, तो मैं अपने आप को कसूरवार मानूंगा। मैंने शहर के प्रॉब्लम, जनता के प्रॉब्लम और इस प्रभाग के प्रॉब्लम को हमेशा मसले मसाइल जो यहाँ के थे सभागृह में उठाया होगा। मैं झूठ बोलता होगा तो यूट्यूब, आज सब लोगों के पास 80% लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है, तो आप सिर्फ यूट्यूब में जाकर रियाज खरादी का नाम टाइप करो या मुंह से बोलो, मेरे 100 वीडियो आएंगे, 100 वीडियो जो सभागृह में मैंने आवाज उठाए। तो इसने इतना करने के बाद भी कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं, करने दो। लेकिन मैं जनता से गुजारिश करता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत किया होगा तो बिल्कुल मुझे जहाँ पर पहुँचाना चाहिए जनता पहुँचाएगी। लेकिन ये जो लोग मुझे धमकी दे रहे कि ये दिखेगा नहीं, इसको हम खलास करेंगे, ये खलास करना ये बच्चों की बात नहीं है, रियाज करादी बकरी का बच्चा नहीं है, पकड़े और काट कर खाए। तो मैं यहाँ पर ये बाइट देने का मकसद यही था, ये प्रहार संगठना वाला, तो आप आंदोलन करो और इनकी रात में एक बाइट आएगी। इनकी मेरी बाइट देखने के बाद इनके जो प्रत्युत्तर आएगा वो भी बताऊंगा मैं आपको, इनका प्रत्युत्तर कैसा रहेगा। मुझो नगर सेवक है ना, आम्ही काढे फासणार, याचा घर जाणणार,
याला जीवे मारणार, ये इनकी बाइट नहीं आएंगी, मेरा चैलेंज है आप लिख कर दो। अरे रियाज खरा जी अकेला फिरता है, मेरा कोई बॉडी गार्ड नहीं, मेरी कोई गैंग नहीं, मेरा सिर्फ अल्लाह है, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। ऐसे कई एक गुंडे आए और चले गए, रियाज खरा जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब तक के लोगों को मालूम है रियाज खरा जी का काम क्या है, रियाज खरा जी कभी कुछ गलत नहीं करता, रियाज खरा जी की वजह से कभी पार्टी बदनाम नहीं हुई। मैंने हमेशा MIM गट नेता बोलकर कहीं भी बात किया है और MIM को यहाँ पर फैलाने का मैंने काम किया है। तो फिर क्या व्यासपीठ पर आप दिखेंगे, आपको ऐसा लगता है वहाँ पर? इंशाल्लाह जरूर, क्योंकि मैं घट नेता हूँ, व्यासपीठ पर तो मैं होने ही वाला हूँ। कहा होगा क्या भाई, यही तो जानना चाहता हूँ भाई, लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर रियाज खरा जी गलत करता है तो यहाँ की जनता मुझसे हिसाब ले। ये संगठना वाले और हमारी पार्टी मुझे टारगेट कर रहे हैं, जबकि मैं पुरावे के साथ जब काम स्टार्ट होने जा रहे हैं, पूरे काम की लिस्ट है, पूरे टेंडर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आज टेंडर हुआ दूसरे दिन काम शुरू होता नहीं, इसका प्रोसीजर है। टेंडर होने के बाद टेक्निकल बीड ओपन होती है, फाइनेंशियल बीड ओपन होती है, उसके बाद वर्क ऑर्डर मिलता है, एक महीने का प्रोसीजर रहता। आज ड्रेनेज के कई काम, मैं बड़े बड़े काम आपको ऑन स्पॉट ले जाकर दिखाता हूँ। ये लोग बोल रहे हैं कि पाचा पेट में एक भी रुपए का काम नहीं हुआ, आप जाकर देखते हैं फोर्ट पाड़ी चौक से लेकर कोंडवाड़ा, यहाँ पर ड्रेनेज लाइन नहीं थी, ड्रेनेज लाइन डालने का काम रियाज खरा जी ने किया है। जिंदा शाह मदार चौक का काम यही लोग रुकाए, जो उछल उछल कर बोल रहे थे कि रियाज खरा जी क्या किया, रियाज खरा जी वो किया जो किसी नगर सेवक ने नहीं किया। आपको तो खुश होना चाहिए, जो आपके नगर सेवक जो लोकल बोलते 30-30 साल से चुन कर आए, लेकिन इन्होंने कभी इतना बड़ा बजट लाया नहीं और रास्ते बनाकर नहीं लिए। अरे मैं 3 साल में तुम्हारे को बजट लाकर अपने मोहल्ले का विकास करना चाहता हूँ तो क्या गलत करता हूँ? आप बताओ, इतना बड़ा बजट लाने के बावजूद भी लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं कि क्या किया बोलकर। अभी आने वाले